दोस्तों आप सभी का सुनील के वीडियो में स्वागत है। देखिए आप लोग इसके पहले बहुत सारे वीडियो इग्नोर किए होंगे, लेकिन इस वीडियो को आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा, ठीक है। जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने भी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करके बैठे हैं और जितने लोग भी अप्रेंटिसशिप करने वाले हैं, तो आपको इस नियम के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा ग्रुप डी में, उसके बाद आपको पछताना पड़ सकता है, ठीक है। ये आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। क्या नियम है क्या नहीं है सारा कुछ मैं आपको वीडियो में पूरा बताऊंगा अच्छे तरीका से। आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना है, ठीक है। आप लोग कोई वीडियो देखिएगा नहीं देखिएगा मुझे नहीं मतलब है, लेकिन इस वीडियो को आप लोग देखिएगा एंड तक पूरा, जिससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पे आने की नियम में क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ टेक्स्ट बुक का सबसे बड़ा ऑफर के बारे में। देखिए टेक्स्ट बुक की तरफ से भी ऑफर आया है जो कि सपनों की उड़ान ऑफर आया है, ठीक है। ये ऑफर जो है ये आपका 14 से 15 नवंबर तक चलेगा और इसमें आपको बिगेस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत आने की कम प्राइस में आपको इसमें आने की ये टेक्स्ट बुक पास पूरा देखने को मिलेगा। आप लोग खरीदते समय सिंपल यूज कीजिएगा सुनील10, ठीक है। आप लोग सुनील10 कूपन कोड यूज कीजिएगा, जिससे आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब कितना इसका प्राइस होगा कितना नहीं होगा वो मैं आपको यानी कि नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूंगा, प्लस मैं आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता रहूंगा। और देखिए आप लोग टेक्स्ट बुक पास प्रो लीजिएगा तो आपको बहुत सारा इसमें फायदा मिलेगा, जैसे आप लोग जो है रेलवे का किसी भी एग्जाम का टेस्ट लगा सकते हैं, SSC का किसी भी एग्जाम का टेस्ट लगा सकते हैं, बैंकिंग का आप किसी भी एग्जाम का टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देखिए एक ही टेस्ट को जितना बार चाहे उतना बार लगा सकते हैं। आप लोग देखिए मॉक टेस्ट हो गया प्लस में प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बाद डिटेल एनालिसिस जो रहता है, ये सब सारा कुछ एक्सेस कर पाइएगा। आप लोग सब टेस्ट लगा सकते हैं मात्र एक सिंगल पास प्रो लेकर के, ठीक है। आप लोग कूपन कोड यूज कीजिएगा खरीदते समय सुनील10 जरूर से जरूर, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। और नहीं तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं आपको, वहां से क्लिक करके भी इसका फायदा उठा सकते हैं। और आप लोग जो है टच में रहिएगा मेरा चैनल के साथ में, ठीक है। इसका जब भी कितना प्राइस होगा आपको मैं तुरंत अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और एक बात और मैं बता देता हूँ कि आप लोग जो है सुनील10 कूपन कोड यूज कीजिएगा तो आपको हमेशा, ठीक है, हमेशा यानी कि आपको 12 से 14% डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा आपका पास प्रो खरीदते समय। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे थंबनेल में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, EWS का कट ऑफ UR से ज्यादा कैसे चला गया है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसका। चलिए मैं आपको पूरा ऑफिशियल यानी कि दिखाता हूँ नोटिफिकेशन जो रेलवे के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिएगा ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये यानी कि RRC गोरखपुर की तरफ से जारी किया गया, ठीक है। ये नोटिफिकेशन ये है कि गाइस देखिए 2019 में जो वैकेंसी आया था तो उसमें बहुत लोग यानी कि अप्लाई किए थे, ठीक है। तो वहां का थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यहाँ पे कट ऑफ जारी किया गया है। तो इस कट ऑफ में आप लोग देखिएगा यहाँ पे इस जगह पे आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ है UR SC ST OBC EWS, ठीक है। और यहाँ पे जनरल इस प्रकार से यानी कि करके लिखा गया, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है और यहाँ पे CCAA यानी कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको CCAA बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि देखिए आप लोग ये नॉर्मल कट ऑफ देख लीजिएगा जनरल का जो रहता है यानी कि जनरल कैंडिडेट जो रहते हैं, ठीक है। तो उनका देखिए UR में यहाँ पे कितना गया है 70 गया है, SC में कितना गया है यानी कि 62.97 गया है, ST में यहाँ पे देखिए 54 गया है, OBC में देखिए यहाँ पे 70 गया है और EWS में यहाँ पे देखिए यानी कि 61 गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या देखने को मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे UR से EWS का कट ऑफ कम गया है, ठीक है। यहाँ पे SC से भी यहाँ पे कट ऑफ कम गया है EWS का, केवल यहाँ पे ST से यहाँ पे ज्यादा चला गया है, यानी कि जनरल कैटेगरी का हम बता रहे हैं यानी कि नॉर्मल कैंडिडेट का, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं OBC का जो कट ऑफ है इससे यानी कि EWS से ज्यादा है, यानी कि EWS का जो कट ऑफ है ये सभी यानी कि एक दो एक तीन यानी कि EWS का कट ऑफ कम गया ये तीनों कैटेगरी से, ठीक है। लेकिन आप लोग यही देखिएगा अप्रेंटिसशिप में यानी कि CCAA में यहाँ पे UR का कट ऑफ कितना गया है 40.03, SC का कितना गया है 30.18, ST का कितना गया है 30.75 और OBC का गया है 30.08। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस जगह पे यहाँ पे EWS का कट ऑफ कितना गया है तो 52 चला गया है, आप लोग सोच लीजिए, ठीक है। इसके पहले भी मैं बहुत जगह कट ऑफ दिखाया हूँ उसमें लगभग यानी कि UR के बराबर ही जाता था, ठीक है, यानी कि 40.00 करके आता था। लेकिन यहाँ पे जो यानी कि गोरखपुर जो यानी कि रेलवे का यानी कि जोन है, ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट निकाला गया है तो यहाँ पे 52 चला गया है, तो ये कैसे हुआ है, ठीक है। बहुत लोग इसको लेकर के मुझे यानी कि कमेंट कर रहे हैं, प्लस है बहुत लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे, ठीक है, कि भाई ये यहाँ पे जो है यहाँ पे यानी कि अधिकतर जगह EWS का कट ऑफ कम जाता है UR से, ठीक है, यानी कि UR से यानी कि बराबर जाता है नहीं तो उसके कम जाता है, अधिकतर जगह तो कम ही जाता है, लेकिन यहाँ पे 52 कैसे चला गया। आप सोचिए आप जो 45 नंबर लाया होगा, 48 नंबर लाया होगा, 49 नंबर 50 नंबर जो लाया होगा ग्रुप डी का परीक्षा मतलब अप्रेंटिसशिप वाला प्लस में ग्रुप डी का CBT का परीक्षा दोनों मिला करके जो 50 नंबर भी लाया होगा ना उसका यहाँ पे नौकरी नहीं हुआ होगा। बहुत लोग UR के कैटेगरी का रहते हैं वो EWS बना लेते हैं, ठीक है।
तो AWS बना लेते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि हम यहाँ पे भर देंगे फॉर्म, तो जिसके कारण मेरा यानी कि सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे कितना कटअप चला गया, 52 चला गया भाई, तो इतना ज़्यादा कैसे गया, यही सब ये लोग का मन में डाउट है। तो ये वीडियो में पूरा यानी कि आपको पूरा बताने वाला हूँ यही कि आप लोग को गलती नहीं करना है, फॉर्म भरिएगा जिसमें ना आगे चल करके उसमें आप लोग को कुछ तरह का गलती नहीं करना है। तो चलिए हम लोग पूरा डिटेल्स में जानते हैं कि ये वाला कैसे ऐसे हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्मल कैटेगरी में यानी कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी में जो यानी कि CCAA नहीं रहते हैं, ठीक है, तो उन लोगों का जो है UR का यहाँ पे इतना गया है और EWS का यहाँ पे इतना गया, यानी कि EWS का लगभग यानी कि सब कैटेगरी से कम ही गया, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे देखिएगा CCAA कैटेगरी में यहाँ पे 40 नंबर गया है यानी कि UR का, लेकिन EWS का यानी कि सभी कैटेगरी से सबसे ज़्यादा चला गया है, ठीक है। तो ये देखिए लगभग यानी कि जितना भी तरह का जोन यानी कि निकालता है अपना कट ऑफ, उसमें हर एक जोन का यानी कि देखिएगा आप लोग कट ऑफ नहीं तो लगभग सभी का बराबर ही रहता है, ठीक है। यानी कि EWS का जो रहेगा ना वो यानी कि उससे कम ही रहेगा ये UR से, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा चला गया यानी कि 52 चला गया। तो ये कैसे हुआ है, तो देखिए गाइस यहाँ पे आप लोगों को पता होगा एक नियम के बारे में जो कि रेलवे अप्रेंटिसशिप वालों को दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया जाता है, तो इनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा इसके बारे में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए रिजर्वेशन दो प्रकार का होता है, यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन में जो यानी कि SC हो गया, ST हो गया और OBC हो गया, जैसे 27% प्लस में 15% हो गया, उसके बाद 7.5% जो हो गया ये SC ST OBC को मिलता है उस प्रकार से, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है रेलवे अप्रेंटिसशिप वालों को। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ये है गाइज कि अगर कोई कैंडिडेट EWS का है तो उसको केवल EWS में ही फाइट करने को मौका मिलेगा, ठीक है। अगर कोई OBC का है तो वो केवल OBC में ही फाइट कर सकता है, ST का है तो वो केवल ST में ही फाइट करेगा, SC का है तो वो केवल SC में ही फाइट करेगा, और अगर कोई UR का है तो वो केवल UR में ही फाइट करेगा। जैसे और कैटेगरी में होता है ना इधर जनरल में यानी कि नॉर्मल में कि अगर कोई कैटेगरी का यानी कि OBC का है अगर UR से ज़्यादा नंबर ले आए तो इसको जो है UR का सीट मिल जाता है, ठीक है, UR का यानी कि वैकेंसी यानी कि ये ले सकता है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है उसमें क्या होता है कि आप जिस कैटेगरी से भरे हैं, आप EWS से भरे हैं तो आपका जो कंपटीशन होगा वो EWS में ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप SC से भरे हैं तो आपका SC आपने की अपने कैटेगरी में ही आपका फाइट होगा। तो देखिए यहाँ पे जो EWS का कट ऑफ ज्यादा गया है इसका यही सिंपल कारण है कि गाइस देखिए यहाँ पे EWS में भरने वाले कैंडिडेट ज्यादा होंगे और प्लस में ज्यादा नंबर लाने वाले भी ज्यादा होंगे, ठीक है, UR कैटेगरी से, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा कट ऑफ गया। मान के चलिए यहाँ पे लगभग यानी कि 50 लड़का फॉर्म भरा है, हम एक यानी कि एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे भर दिया है कितना EWS से, यानी कि EWS के लालच में आकर के भर दिया होगा लोग यहाँ पे 100 लड़का लोग, ठीक है, और यहाँ पे कितना 50 लड़का लोग, ठीक है, UR से। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो यानी कि 50 लड़के जो थे यानी कि लाए कितना 40 के आसपास में लाए, ठीक है, तो 40 इनका यानी कि कट ऑफ चला गया, क्योंकि पिछला बार जो वैकेंसी आया था 20,000 के करीब में वैकेंसी था रेलवे अप्रेंटिसशिप वालों के लिए, और वो फॉर्म यानी कि जो भरे थे 17,000 से 18,000 भरे थे, तो सभी का मिनिमम यानी कि नंबर पर ही हुआ था, ठीक है। लेकिन EWS में क्या हुआ होगा, जितना यानी कि कैंडिडेट भरे थे, मान के चलिए 100 कैंडिडेट अगर भरे हैं, मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे EWS का 40% है, आपको पता होगा, ठीक है। अभी देखिए नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा 1 से 2 दिन के अंदर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा कि 100 लड़के जो भरे होंगे ये ज्यादा नंबर लाए होंगे, ठीक है, ज्यादा नंबर मतलब ये 52 नंबर से, यानी कि बहुत लड़के जो होंगे यानी कि 50 लड़के मान कि 60 लड़के, तो कितनों भी लड़के यहाँ पे जितना भी सीट होगा ना EWS का, तो उसमें जो होगा कि EWS का कैटेगरी वाले लड़के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए होंगे, ठीक है, तो उसी लिए इनका मिनिमम कट ऑफ जो है इतना गया। अब मान के चलिए 100 लड़के यहाँ पे फॉर्म भरे हैं और यहाँ पे अगर 50 सीट ही है EWS कैटेगरी से, ठीक है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो जितना भी तरह का जितना भी सीट है, ठीक है, जितना भी सीट रहता है उतना ही यानी कि यहाँ पे भर्ती लिया जाता है। तो आप सोचिए 50 यानी कि टोटल 100 लड़का लोग यहाँ पे फॉर्म भरा है, 100 लड़का लोग एग्जाम यानी कि एग्जाम दिया, तो उसमें से लेना है बोर्ड को कितना 50 लड़का ही लेना है, तो वो मिनिमम कटअप में तो लेगा नहीं, ठीक है, वो शुरुआत से यानी कि ऊपर से लेकर के जिसका ज़्यादा है इसी प्रकार करके यानी कि ऊपर से 50 लड़का को आने की ले लेगा, ठीक है, तो उसका जो मिनिमम कट ऑफ जो गया होगा वो 52 गया होगा। तो इसी प्रकार से ये कट ऑफ जो यहाँ पे ज़्यादा चला गया है और UR में जो यानी कि भरे होंगे, मान के चलिए यहाँ पे 100 लड़के भी अगर फॉर्म भर दिए होंगे ना, लेकिन इस कैटेगरी में नंबर यानी कि लाने वाले कम होंगे, ठीक है, यानी कि लगभग 40 नंबर यानी कि लाए होंगे, 40-42 इसी प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम कट ऑफ में ही यानी कि यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, तो इससे यही सीख मिल रहा है आप लोगों को कि देखिए यानी कि आप चाहे EWS में भरिएगा, UR में भरिएगा, आपका आपका जो यानी कि जो कंपटीशन होगा आपका कैटेगरी से ही होगा, ठीक है,
खास करके अप्रेंटिसशिप में, यहाँ पे जनरल का नहीं बोल रहे हैं, नॉर्मल का नहीं बोल रहे हैं हम, ठीक है। अप्रेंटिसशिप में जो जिस कैटेगरी से फॉर्म भर दिया उसी कैटेगरी में फाइट करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में इसी प्रकार से मिलता है। हम जो है यानी कि चाहे वो एससी रहे, एसटी रहे, ओबीसी रहे, चाहे वो ईडब्ल्यूएस रहे, आप जो है यहाँ पे यूआर का सीट नहीं ले सकते हैं, यही यानी कि नियम है, ठीक है। ये और ये वाला आपको यानी कि जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको ये ऐसा यानी कि सारा कुछ पता था पहले से, अगर नहीं था तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको जानकारी अगर पसंद आया होगा, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है और यही गलती करेंगे अभी जाकर के यानी कि ग्रुप डी का परीक्षा में, तो उसमें यानी कि दिक्कत हो सकता है, तो उसमें आपको सावधानी बरतना पड़ेगा, अपने से यानी कि देखना पड़ेगा कि हमको किस में क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। हालांकि देखिए हर बार यानी कि हर जगह ऐसा नहीं होता है, केवल एक ही जोन में यानी कि ऐसा हुआ है कि ज़्यादा यानी कि चला गया ईडब्ल्यूएस का, लेकिन अधिकतर जोन में देखिएगा आप लोगों ने तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का जो जाता है वो यूआर से कम ही जाता है, लगभग तो बराबर ही जाता है, ठीक है। आप सभी को जो आने वाला भर्ती जो है ग्रुप डी का लेवल वन का, तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो अपना फॉर्म जो भरना पड़ेगा वो सोच समझ करके भरना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग जिस कैटेगरी से भरिएगा उसी कैटेगरी में आपका फाइट होगा। आप लोग सोचिएगा कि हम यहाँ पे ओबीसी से भर देंगे और हम ज़्यादा नंबर ले आएंगे यूआर से तो हम इसमें चल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग सोचिएगा कि हम ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर देंगे, ठीक है, और ज़्यादा नंबर लाएंगे तो हम यानी कि यूआर से यानी कि हमको सीट मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यानी कि ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा नंबर लाया गया लेकिन फिर भी यहीं पर रखा गया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का यही मतलब होता है, ठीक है। वो जो यानी कि यूआर में यानी कि भेज दिया जाता है ये होता है इसमें यानी कि जनरल कैटेगरी में होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीसीए को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है, जिसके कारण जो कैटेगरी का लड़का जिसमें फॉर्म भरेगा उसी में उसका जो है यानी कि काउंट होगा, उसका इधर उधर कहीं कुछ होने वाला नहीं है। तो यानी कि आप लोग सोच करके भरिएगा, सोच समझ करके फॉर्म भरिएगा, ठीक है। और एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि देखिए ये ऐसा यानी कि कट ऑफ हर जगह नहीं जाता है, ठीक है, कहीं कहीं ऐसा यानी कि चला जाएगा वो अलग बात है। कैंडिडेट कहीं से अगर ईडब्ल्यूएस वाले भर दिए हैं, ठीक है, तो वहां पे यानी कि ज्यादा जा सकता है अच्छा नंबर वो लाए तो, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं जाता है। तो आप लोगों को अपने हिसाब से यानी कि डिसाइड करना है कि आपको किससे भरना है, आपको यूआर से फॉर्म भरना है कि आपको ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरना है, ठीक है। जो यानी कि यूआर कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस बना लिए हैं उनके लिए मैं यानी कि बोल रहा हूँ ये कि आपको किससे भरना है फॉर्म, आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा अपने से, क्योंकि फ्यूचर यानी कि कोई नहीं देखा है कि कौन सा लड़का कहाँ पे कितना ज्यादा भर रहा है फॉर्म, नहीं भर रहा है, ठीक है। तो ये यानी कि इंपॉर्टेंट वीडियो था, ये जानना आप लोग को बहुत ज़्यादा जरूरी था, ठीक है। आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, ताकि सभी को ये जानकारी पता चल सके। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ पर जुड़ जाइए, क्योंकि फ्यूचर में जो भी सारा अपडेट आएगा रेलवे अप्रेंटिसशिप प्लस में रेलवे एग्जाम से रिलेटेड प्लस में आईटीआई से रिलेटेड, वो मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ठीक है। और देखिए लास्ट में यही बोलूँगा कि देखिए अपना जो है तैयारी आप लोग जो है स्टार्ट कर दीजिए अगर नहीं किए तो, और अभी मॉक टेस्ट पूरा आने की लगाइए डेली डेली, अगर आने की पॉसिबल हो पाता है तो डेली लगाइए, नहीं तो आप लोग जो है यानी कि वीक में एक लगाइए ही लगाइए, ठीक है। स्पेशली मेरे भाई लोग जो अप्रेंटिसशिप किए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए ये टेस्ट बुक का जो ऑफर आ रहा है इसको आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है, ऐसा ऑफर आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग पासपोर्ट खरीद के रख लीजिए अभी, ताकि आपको जो है आगे काम आएगा, आपका जिसमें एग्जाम होगा उस समय आप लोगों का काम आएगा, ठीक है। स्पेशली मैं बता रहा हूँ अपने भाई लोगों के लिए यानी कि जो रेलवे अप्रेंटिसशिप किए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग पासपोर्ट खरीद के रख लीजिए, ठीक है। इसका कितना प्राइस होगा कितना प्राइस नहीं होगा ये मैं आपको यानी कि अपना टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से प्लस में वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कि कितना इसका प्राइस ड्रॉप होकर के कितना में यानी कि मिलेगा आपको, ठीक है। आप लोग खरीदते समय हमेशा यूज कीजिएगा सुनील 10, आपको हमेशा यानी कि 12-14% डिस्काउंट मिलेगा। और आप लोग देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए, आप लोग वहां से भी जाकर के आप लोग खरीद सकते हैं। ये ऑफर जो चलेगा वो 14 से 15 नवंबर तक चलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब नेक्स्ट टॉपिक इसका जो रहेगा और नॉर्मलाइजेशन पर रहेगा, ठीक है, कि रेलवे अप्रेंटिसशिप का नॉर्मलाइजेशन जो भी न्यू यानी कि नोटिस निकाला गया रेलवे के द्वारा तो उसमें क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।